हाय गाइस, रोनवीर दी है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो मेरे पीछे आप लोगों ने देखा ही है, इंटर कॉन्टिनेंटल बार्कले है और मैं यहाँ पर आज आया हूँ। इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, बहुत टाइम से हमारी बात चल रही थी कि रोहन यहाँ पर आओ और शूट करो, पर मैं आ नहीं पा रहा था क्योंकि काम में बिजी था। और आज ऐसा मौका था कि मैंने उनको सुबह सुबह ईमेल की कि लेट मी नो कि कब मैं आ सकता हूँ, क्योंकि इतने टाइम से बात चल रही थी। उन्होंने बोला कि रोहन आज एक काम करो, आज रात आ जाओ, सैटरडे नाइट है, आपका होटल तो बहुत बिजी रहता रहेगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आप आओ यहाँ पर शूट करो, इन्जॉय करो, रिलैक्स करो, न्यूयॉर्क को घूमो और या इन्जॉय द स्टे। तो ये लेक्सिंगटन एवेन्यू है और 48th स्ट्रीट है। अभी होटल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अमेरिका का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बार्कले में जो होटल है वो कैसा है। लेट्स गो। ये लॉबी है, राइट साइड पे आपको रिसेप्शन दिख जाएगी। यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है यहाँ का, और मैं आया था, मैंने ऑलरेडी चेक इन कर दिया है। और बड़ी सी लॉबी है और उनके लेफ्ट साइड पे बार है। तो ये जो होटल है, अभी अभी मुझे पता लगा है जब मैं चेक इन कर रहा था, 100 साल पुराना है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोग आए हैं यहाँ पर, कितने लोग रह कर गए हैं। और बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क सिटी आते हैं घूमने के लिए और उनको अच्छी से अच्छी जगह चाहिए रहती है रहने के लिए। तो ये भी उनमें से, ये जो होटल है ये भी बहुत बढ़िया होटल है और इनके रूम्स भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेनटेन करके रखे हुए हैं। ये रहा जो रूम कार्ड है मेरे पास, 11th फ्लोर पे रूम मिला है मुझे। तो आपको पहले आपकी की टैप करनी है और फिर आप अपना फ्लोर दबा सकते हो। तो आप लोग को यहाँ से, ये लिफ्ट थी, यहाँ से हम निकले और ये रूम 1101 तक, वहाँ पर 17 पहले ही 17 है। भाई साहब ने जो की दी थी वो लगाया, टैप किया एंड ग्रीन हुआ तो खुल गया। ये आपको पहले मैं एक फर्स्ट व्यू दे देता हूँ। हाय गाइस, ये बाथरूम है, यहाँ पर छोटा सा ही है, 100 साल पुराना है तो इन्होंने मेंटेन करके रखा अच्छे से। और ये है रूम, एक ही रूम है छोटा सा। कॉफ़ी का सामान है यहाँ पर, कॉफ़ी इज़ फ्री। और यहाँ पर क्या है, फ्रिज है, फ्रिज में ये सारा कॉम्प्लीमेंट, ओह बट ये सब मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया था ये वीडियो बनाने के लिए। सो आई कैन ड्रिंक वॉट एवर आई वॉन्ट। सो क्या पियेंगे आज, विस्की? अभी वीडियो बना ले बेटा, इसको बंद करते हैं। ओके, और बट जब आप ये यहाँ की इनकी दारू पीते हो ना, या फिर कुछ भी पीते हो, पानी भी पीते हो, तो बहुत महंगा पड़ता है। और ये रूम इतना बड़ा है कि चालू होते ही ख़त्म हो गया है। वाइब अच्छी है, क्लीन है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। टाइम देखने के लिए रखा हुआ है, लैम्प्स हैं और कुछ ऐसा रूम है। और जो व्यू है ना, उसका पैसा है, बड़े पैसे मैंने दिए नहीं। $250 इस रूम का रेट चल रहा है आज की तारीख पे, सैटरडे है आज। ओके, और ऊपर से टैक्स वैक्स लगा कर, सर्विस टैक्स और भी बहुत सारे टैक्स लगा कर 325 ऐसा हो जाता है डॉलर्स में, रुपए में नहीं। और आपको व्यू दिखा देता हूँ फर्स्ट हैंड। ओके, उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, खतरनाक, इसको हटाने में भी टाइम लग जाएगा, खतरनाक दिखता है। रेडी, 1 2 ये वो भाई साहब ने मुझे पहले ही बोल दिया था। जी, मैंने उसको बोला था कि रूम विद अ व्यू है ना, बोलता है कि रोहन आपको बुलाया इन लोगों ने सैटरडे नाइट को, जबकि सब कुछ बुक रहता है। सिंपली आप समझ ही जाओ ना कि मतलब आप पैसा यहाँ पर दे रहे हो न्यूयॉर्क सिटी के हिसाब से, रूम के हिसाब से नहीं, क्योंकि आप न्यूयॉर्क सिटी में आ रहे हो, आजू बाजू में आपको बहुत सारी जगह मिल जाती देखने के लिए, रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए। You are paying for the city. अच्छा, ये 100 साल पुराना है क्या भाई, इमेजिन करो।
अच्छा है यार, पता नहीं कौन कौन बैठा है इसमें। और मैं जब यहाँ से अंदर आ रहा था ना, तो मेरे मन में ख्याल आया कि रोहन आज तुझे यहाँ अकेला रुकना है, और पता नहीं 100 साल पुराना है, कितने लोग यहाँ पर सॉरी कितने लोग यहाँ पर मरे होंगे। आई रिस्पेक्ट जो भी आत्माएं हैं, प्लीज़ थैंक यू, आप दूर ही रहना। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो माफ़ कर देना। बट ऑन अ सीरियस नोट, जगह बहुत अच्छी है। आपको कैसी लगी जगह? मैं छोटा सा ही वीडियो बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से बात चल रही थी इन लोगों के साथ। तो भैया यहाँ पर आए हूँ तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये जगह कैसी है। न्यूयॉर्क के बीचों बीच में यहाँ पर एक होटल बहुत पुराना है, तो यहाँ इसके रूम्स कैसे हैं? तो आपको रूम मैंने एकदम रॉ फील में दिखाया है। अभी वो जो सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ ना, उसके बिना मुझे मज़ा नहीं आता है। सो वॉच दैट। ये तो दिखाना भूल ही गया यार, यहाँ पर भी एक मिनी बार का एडिशन है। कुकीज है, चिप्स वगैरह मिल जाएंगे। ये क्या है मुझे भी नहीं पता थी। एक बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मिरर है, आपने देखा खुद को। और यू नो, कभी कभी लड़कों के, लड़कियों के यू नो, कभी कभी बाल ऐसे छोटे 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 आईब्रोज के या इधर के उधर के, वो काटने मुश्किल हो जाते हैं नाक के बाल। तो ये मिरर उस चीज़ के लिए होता है। आ जाए बेटा, तोड़ तोड़ ना जाना। तो ये देखो कितना दिख रहा है आपको, ये देखो। तो ये उसके लिए नज़दीक है। तो देखा आपने, आपके चेक किया आपने अपने बाल वगैरह, आप लोग को तो दिख ही रहा होगा अभी मेरे ऊपर। तो ऐसा ये उस चीज़ के लिए काम आता है बहुत लोगों को, यू नो लाइक, जिनको एकदम डिटेल में अपने आप को ग्रूम करना रहता है, ये उनके लिए है ये। और इसको घुमाएंगे तो ये नॉर्मल है। मैंने भी यहाँ पर शावर लिया है, और आप लोग कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर वो लोग, ताकि आप लोग को कैरी ना करना पड़े ये सारी चीज़ें, बॉडी वॉश है यहाँ पर, हेयर कंडीशनर है और हेयर शैम्पू है। और ये सारा जो ब्रांड है ना, बहुत अच्छा ब्रांड लग रहा है। सो गाइज, व्लॉग को मैं एंड करना भूल गया था। नेक्स्ट 2-3 वीडियो है जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बारे में होने वाली है। मैं यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो न्यूयॉर्क सिटी की, जो मैं भी एक्सप्लोर करूँगा और आप लोग को भी दिखाऊँगा। सो वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके आना, लाइक एंड कॉमेंट तो बनता ही है। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय।